सभी को जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है तुहाडा अपना एक होर वीडियो विच। दोस्तों अज की यह वीडियो मसीही नौजवानों के लिए है। दोस्तों जो मसीही नौजवान अपना जीवन नशिया विच जां गलत कामों विच अपना जीवन गुजार रहे हैं उन्होंने लिए यह वीडियो एक बहुत वधिया संदेश दिंदी है। दोस्तों उम्मीद है कि तुम भी वीडियो पूरा देखने तो बाद वीडियो पसंद जरूर करोगे, इसलिए एक बेनती है कि वीडियो पूरा जरूर देखना। दोस्तों इस वीडियो अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों शेयर जरूर करना। जो वीडियो असी तुहानू अगे दिखावांगे उस विच एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह जी का शुभ समाचार एक बाजार विच खड़ा हो के आन जाण वाले लोगों नू सुना रहा है। दोस्तों इस नौजवान की वीडियो देखने तो पहला जेकर तुसी साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो पहला चैनल सबसक्राइब जरूर करो ता जो प्रभु यीशु मसीह जी का सच्चा वचन हर एक इंसान को पहुँच सके। जय मसीह की। मेरे पापों को माफ किया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज इंसान मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहा है, अपनी अपनी योजनाएं बना रहा है, लेकिन इंसान अपनी ताकत से आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो सोचे वो मुक्ति कैसे पाएगा, वो उद्धार कैसे पाएगा। इसलिए पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए स्वयं परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी जिंदगी को क्रूस के ऊपर दिया और यीशु के अंदर से जो लहू बहा उस लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा और पापों से छुटकारा मिला, क्योंकि यीशु के लहू के अंदर कोई गुनाह नहीं था। वो बेअब लहू था, वो बेगुनाह लहू था, उसके अंदर पापों की रिहाई थी, पापों का छुटकारा था। और बाइबल कहती है यीशु ने अपना लहू न ईसाइयों के लिए बहाया, न गोरों के लिए बहाया, लेकिन गुनाहगारों के लिए बहाया। इसलिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु को कबूल करना पड़ेगा यदि आपको अपने पाप से छुटकारा चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ चंगाई के लिए दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, यदि आपको किसी चीज से चंगा होना है दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं, यदि कैंसर से चंगा होना है दुनिया में कैंसर को खत्म करने के लिए भी डॉक्टर है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए इस संसार में डॉक्टर है, लेकिन पाप को खत्म करने के लिए आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया और वो स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में आया हमारे गुनाह का इलाज करने के लिए, हमारे पाप का इलाज करने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह ने हमारे गुनाह का इलाज किया, हमारे पाप का इलाज किया। और जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह आपको ईसाई नहीं बनाते, प्रभु यीशु मसीह आपका धर्म परिवर्तन नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। आज का खुदावंद यीशु मसीह ने आया, मेरे को प्रभु यीशु से कोई धर्म नहीं मिला, मेरे को प्रभु यीशु से एक बेटे का रिश्ता मिला, खुदा ने मुझे अपना बेटा बनाया, खुदा ने मुझे अपनी संतान बनाया। आज मैं जिधर जाता हूँ मैं ये कहता हूँ वो मेरा पिता है।